वेलकम टू द एग्जाम्स एंड यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पार्ट टू देखने वाले 2019 का इम्पोर्टेंस बुक्स एंड ऑथर्स का। पार्ट वन हम लोग देख चुके हैं, पार्ट वन आप लोग देख चुके हैं। इस वीडियो का लिंक के नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले बुक की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले बुक जो है वो है कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर। बुक का नाम है कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर और इसके लेखक है रचना बिस रावत। रचना बिस रावत कौन है? एक जर्नलिस्ट है, एक राइटर है और सबसे बड़ी बात ये एक वाइफ है जिसके एक आर्मी ऑफिसर का, जिसकी मदद से उन्होंने कारगिल में कारगिल की सारी स्टोरी जो है इस किताब के अंदर में जो है लिखी है। इस किताब के अंदर में 25 साल का एक लड़का जो है, ठीक है, एक आर्मी ऑफिसर रहता है, एक कर्नल रहता है जिसका नाम है गुरुजुमन सक्सेना बोल के नाम है, उसके बारे में स्टोरी है कि वो किस तरीके से कारगिल में जाता है, उसको कारगिल में बुलाया जाता है, उसको वहां पर ड्यूटी लगाया जाता है, फिर वहां से 1999 में कारगिल का युद्ध होता है, ठीक है, मई 1999 में। इस तरीके से वहां पर पूरा इसकी स्टोरी जो है इस किताब के अंदर में लिखी हुई है, कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फॉर द वॉर, ऑथर रचना बिस रावत। दूसरी बुक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बुक है ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। ये बुक जो है एक जो है जर्नलिस्ट ने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है पीटर बाकर। पीटर बाकर जो है ये व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डिंग है न्यूयॉर्क टाइम्स के, व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डिंग है न्यूयॉर्क टाइम्स के, ठीक है, NYT जो है न्यूयॉर्क टाइम्स के जो है व्हाइट हाउस है। इसमें ओबामा का एक स्टोरी लिखा हुआ है कि किस तरीके से एक अफ्रीकन अमेरिकन किस तरीके से प्रेसिडेंट बनता है, अफ्रीकन अमेरिकन किस तरीके से प्रेसिडेंट बनता है, एक यंग प्रेसिडेंट जो है अमेरिका का होता है, उसके बारे में सारा हिस्ट्री है वो जो है पीटर बाकर ने इस किताब के अंदर ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री लिखा गया है। दूसरे बुक की तरफ पढ़ते हैं। दूसरे बुक है रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस। इस किताब के लेखक है विनोद राय, ऑथर है विनोद राय। विनोद राय जो है वो एक फॉर्मर IAS ऑफिसर है और वो कैग भी रह चुके हैं, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है ये भी इस पद में भी वो संभाल चुके हैं। अभी जो कौन है, राजीव मेहरिसी जो है कैग है, ठीक है, राजीव मेहरिसी कैग है और जो है इसको पद्मा भूषण नहीं मिला हुआ, विनोद राय को पद्मा भूषण नहीं मिला हुआ। वो बहुत सारी किताब का ट्रांसलेट क्या नाम है, बहुत अच्छे अच्छे इंग्लिश में लिखते भी, पद्मा भूषण नहीं मिला हुआ है, ठीक है। इस बुक के अंदर में लिखा हुआ कि रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस, मतलब ये कि देखिए विनोद राय वही शख्स है जो चूची घोटालों को सामने लाया था, जो स्पेक्ट्रम घोटालों को सामने लाया था, ठीक है, जो कोयला घोटालों को कोल स्कैम को भी सामने लाया था। तो वो ने कहा कि गुड गवर्नेंस का फिर से सोचना चाहिए, यानी जो गुड गवर्नेंस क्या होता है फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि तो आज के टाइम में CBI हो गया, इस किताब के अंदर जो लिखा हुआ इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है, कोर्ट हो गया, इस तरीके से किसी भी जो इंस्टीट्यूशनल है, जो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है उस पर सवालिया निशान लग रहा है, उस सवालिया निशान ना लगे इसके बारे में फिर से हम लोग गुड गवर्नेंस के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बुक में देखिएगा कि बिल क्लिंटन की वाइफ, बिल क्लिंटन कौन थी अमेरिका का, बिल क्लिंटन कौन था अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसकी वाइफ जो हिलरी रोधान क्लिंटन और एक लौती बेटी चेल्सी क्लिंटन के ने लिखा है। इस क्या चीज लिखा, द बुक ऑफ गस्टी ओमेन, ठीक है। इस बुक के अंदर में वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखा है, मतलब बहुत सारे जो खासकर महिला जो है जो आज दुनिया में नाम कमा रही है अपने अपने फील्ड में और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रही है, उसके बारे में, जिसमें मलाला यूसुफ़ज़ई के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, और इसी तरीके से ग्रेटा थनबर्ग के बारे में लिखा हुआ है, एनवायरमेंटल जो है एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो है उसके बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है। और इन्होंने हिलरी जो क्लिंटन है ये जो है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में खड़ी हुई थी, ठीक है, कौन सा पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी, याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप कौन से पार्टी से नहीं करता, रिपब्लिकन पार्टी से, डोनाल्ड ट्रंप कौन से पार्टी से बिलोंग करता, रिपब्लिकन पार्टी, इसके खिलाफ में ये प्रेसिडेंट के लिए चुनाव में खड़ी हुई थी लेकिन वो हार गई, क्योंकि बिल क्लिंटन की वाइफ इसमें जो है सारा वुमेन का एम्पावरमेंट के बारे में इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक दुनिया का बहुत ही मशहूर और बहुत ही अमीर आदमी बिल गेट्स। उन्होंने एक साल तक, इन्होंने 10 साल तक इस किताब क्लाइमेट के बारे में ने रिसर्च किया, फिर उसके बाद खुद का किताब के अंदर उन्होंने लिखा कि हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। जिस तरह से आज के टाइम में जो है बहुत ज्यादा क्लाइमेट को लेकर बहुत ज्यादा मीटिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा चिंता चिंता जाहिर किया जा रहा है, उसी के बारे में बिल गेट्स ने लिखा, बिल गेट्स ने इस किताब को लिखा है। बिल गेट्स आप लोग को मालूम है को फाउंडर है किसका, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का, ठीक है, को फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का को फाउंडर भी है,
ठीक है, तो इसी तरीके से। अच्छा हाँ, एक चीज और बताने भूल गए, से पहले जो बिल क्लिंटन जो था उसका ऑटोबायोग्राफी है वो बहुत बार पूछा जाता है, माई लाइफ। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है माई लाइफ किसका? बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन यानी अमेरिका का राष्ट्रपति रह चुके बिल क्लिंटन। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बिलगेट्स जो है, बिलगेट्स से किताब का नाम है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। ठीक है, हम नेक्स्ट बुक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बुक देखिएगा, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये किताब जो लिखने वाला है कौन है? शशि थरूर है। और शशि थरूर है, और इस किताब को इस साल 2019 में इन्होंने इस किताब को लिखने के बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीता है। ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीता है इंग्लिश में, नॉन फिक्शन कैटेगरी में। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो 24 लैंग्वेज में दिया जाता है, 22 लैंग्वेज जो हमारा 8th शेड्यूल के अंदर में, प्लस इंग्लिश और राजस्थानी भी इसमें इंक्लूड है। ये 24 लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, शशि थरूर इसमें एन एरा ऑफ डार्कनेस के अंदर में क्या है, ब्रिटिश एक्सप्लॉटेशन जो है, जो हम लोग का कॉलोनियल राज था, ब्रिटिश का कॉलोनियल राज यहाँ चलता था, किस तरह से उन्होंने एक्सप्लॉटेशन किया हमारे इंडिया को, किस तरह से सोना से चिड़िया से हम लोग गरीब कंट्री बना दिया, किस तरह से यहाँ सामान को ले जाता था और वहां पर बेचा जाता था, इसी तरीके से वो सारा चीज जो है वो डार्कनेस, यानी एक डार्कनेस एरा था हम लोग के इंडिया के लिए, उन्होंने इस किताब के अंदर में बहुत ही अच्छे से समझाया है। अब साहित्य अकादमी का एक हिंदी में किसको मिला वो भी देख लेंगे। तो हिंदी में जिसको मिला, नंद किशोर आचार्य को मिला, नंद किशोर आचार्य। ठीक है, और ये कौन सा बुक से मिला? चिल्लाते हुए अपने को, चिल्लाते हुए अपने, चिल्लाते हुए अपने को। ठीक है, तो अगर WBCS का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो बंगाली को याद रखिएगा, चिन्मोय गुहा। चिन्मोय गुहा को बंगाली में मिला साहित्य अकादमी अवार्ड, और इसका जो जो बुक है उसका नाम है घुमार दर्जा थाले, घुमार दर्जा थेले, ये किताब मिला है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी मिला शशि थरूर। शशि थरूर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं, ये MP है लोकसभा का, कहाँ से? केरला का कैपिटल तिरुवनंतपुरम से जो है, ये MP है लोकसभा का। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का इंडिया, इससे पहले ये चार्टी मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, चार्टी मिनिस्टर भी रह चुके हैं, चार्टी मिनिस्टर यानी एडुकेशन मिनिस्टर भी अगर बोल सकते हैं आप, चार्टी मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रह सकते हैं, यानी फॉरन मिनिस्टर भी आप बोल सकते हैं, फॉरन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, इन्होंने एक और किताब लिखा था जो बहुत बार पूछा था, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है क्वांटम, मतलब होता है कंफ्यूज आदमी, विरोधाभास, मतलब आज कुछ बोले कल कुछ बोलो, उसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल, यानी कंफ्यूज पर्सन। ठीक है, इन्होंने इस किताब को आंसर किया है क्योंकि संजय बारू जो थे, इन्होंने किताब लिखा था संजय बारू। ठीक है, संजय बारू क्या किताब लिखा था? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह के बारे में लिखा गया था, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसका फिल्म भी बन चुका है संजय बारू इस किताब के बारे में, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के बारे में लिखा हुआ, उसी के आंसर में उन्होंने द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में इन्होंने सही लिखा है। ठीक है, शशि थरूर। तो हम लोग नेक्स्ट किताब तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट किताब देखिएगा, लिखा हुआ है टर्बुलेंस ऑन ट्रियम्फ होगा। ठीक है, ये ट्रियम्फ होगा, TRUMPH, यानी कामयाबी जो है, ट्रियम्फ का मतलब कामयाबी होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसको लिखने वाला कौन है? राहुल अग्रवाल एंड भारतीय अस्पताल। बस इसमें मोदी का एक समझ लीजिए जो है उसमें बाल कथा के बारे में लिखा हुआ है, किस तरह से बच्चे बच्चा से लेकर जो एक चाइल्ड से लेकर किस तरह से वो प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, PM बने, उसके वो सारा कहानी जो है उसमें बायोग्राफी की तरह में राहुल अग्रवाल और भारतीय अस्पताल कौन है, ये एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने इस किताब को लिखा है। इस किताब को देखिए, कागज की नाव, ये किताब इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो है व्यास सम्मान 2019 में जीता है, व्यास सम्मान 2019, व्यास सम्मान जीता 2019। ठीक है, नसीरा शर्मा, किताब नाम क्या है? कागज की नाव। अगर 2018 में पूछे जाए तो कौन है? लीलाधर जागुड़ी, लीलाधर जागुड़ी जो है, जागुदी जो है वो लिखा है। और 2017 में अगर बोले तो ममता कालिया दुखम सुखम किताब के लिए, ममता कालिया दुखम सुखम, ममता कालिया दुखम सुखम किताब के लिए जीता 2017 में व्यास सम्मान, और ये जो इसमें किस कौन जीता है व्यास सम्मान 2019 का, नसीरा शर्मा, कागज के नाम, ये हिंदी के लिए दिया जाता है। ठीक है, और ये देता है के बिरला फाउंडेशन, इसको पेश करता है के बिरला फाउंडेशन, इसको इस अवार्ड देता है और हिंदी के लिए ही सीट दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया व्यास सम्मान। नेक्स्ट बुक की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट बुक देखेंगे हम लोग कौन है, नेक्स्ट बुक देखिएगा,
यूनिक रिवर अ बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के बारे में ये सारा किताब, इस किताब के अंदर बहुत ही अच्छे से दिखाया गया। इसको लिखने वाला अरूप ज्योति साय, जो एक आईआईटीएन है गुवाहाटी से, ठीक है, अरूप ज्योति साइकिया एक आईआईटीएन है दूसरे। इसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मपुत्र जो है किस तरीके से आसाम को बदलने में, आसाम कल्चर के बारे में बताया गया है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र के आसपास जो है वो फर्टाइल फर्टिलाइज फर्टाइल जमीन बताई गया है, वो अपना बचपना जो है उसी के आसपास में जो है उसके फर्टाइलेशन लैंड के किनारे में गुजारा है, उसी के बारे में लिखा हुआ। फिर उसके बाद जूट फील्ड लिखा हुआ, पैडी के बारे में लिखा हुआ, मस्टर्ड फील्ड में किस चंद्र ब्रह्मपुत्र उसको करता है। अपने मालूम ब्रह्मपुत्र जो है अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से नामचा बरुआ के पास से एंट्री करता है, फिर आसाम आते हैं तो ध्यान उसका नाम पड़ जाता है। तो इस तरीके से वो पूरा जो है ब्रह्मपुत्र के बारे में बायोग्राफी जो है उस ब्रह्मपुत्र का उन्होंने लिखा, कौन, अरूप ज्योति साकिया। आगे की तरफ पढ़ते हैं, ये किताब लिखा हुआ बिंग गाती, ठीक है, इसको लिखने वाला लेखक है परो पारो आनंद। तो पारो आनंद जो है ये एक तरह का बिंग गाती यानी गांधी जी का प्रिंसिपल के बारे में इसमें लिखा गया, ठीक है, गांधी जी का प्रिंसिपल, मतलब इन्होंने कहा कि गांधी जी को हम लोग जिस तरीके से पढ़ते हैं उससे ज्यादा और अच्छे से पढ़ना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको प्रोजेक्ट बना लो गांधी जी के बारे में, उसको दो चार फिल्म दिखा दो तो गांधी जी कब कब पैदा हुए कब मरे, ये नहीं, गांधी जी का प्रिंसिपल क्या था और आज के टाइम में गांधी जी का प्रिंसिपल कितनी जरूरत है। 1940 से ज्यादा आज गांधी जी को ज्यादा जरूरत है, इन्होंने कहा कि 1940 से ज्यादा आज गांधी जी को ज्यादा जरूरत है। उस किताब के अंदर में गांधी जी की जो उसका देखिए यहाँ पर दिखाई गई, इन्हें इस प्रिंसिपल को दिखाया गया, अहिंसा के बारे में से बहुत अच्छे से बताया कि नॉन वायलेंस किस तरीके से हम लोग उसको जी सकते हैं, किसी भी दिल को जी सकते हैं, किस तरीके से हम लोग जो है गांधी जी के आइडिया को आज हम लोग कैसे यूज करें, इसके बारे में जो है पढ़ो। आनंद जो है एक बहुत ही अच्छे लेखक है, उन्होंने इस किताब को बहुत ही खूबसूरती के साथ में गांधी जी के बारे में, उस विचार के बारे में, गांधी जी का प्रिंसिपल के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये किताब जो है द बिकमिंग जर्नल, ये किताब जो है बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा जो है इस किताब को लिखी है, द बिकमिंग जर्नल। और मिशेल ओबामा एक लॉयर भी है, ठीक है, और फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन फर्स्ट लेडी है, यानी फर्स्ट लेडी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन है, यानी फर्स्ट लेडी किसको बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट की वाइफ होती है उसको फर्स्ट लेडी बोला जाता है अमेरिका के अंदर में भी, ठीक है, फर्स्ट लेडी बोला जाता है, और इंडिया के अंदर में भी हम लोग उसको फर्स्ट लेडी बोलते हैं, यानी अभी जो रामनाथ कोविंद ने उसकी पत्नी को क्या बोलेंगे, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये मिशेल ओबामा जो है उसकी किताब उसके बारे में है, द बिकमिंग जर्नल। इसमें बस मेमोयर लिखा हुआ, ठीक है, इसमें मेमोयर है, मतलब अपना याद, अपना जीवन का सारा चीज है कि हम कब क्या किए, कब मिले, कब कब मेरा शादी हुआ बराक ओबामा से, किस तरीके से हम मतलब अपना पढ़ा के, बस सारा याददाश्त जो है, मतलब सारा याद जो है मेमोयर है वो बिकमिंग जर्नल के अंदर में लिखा गया। नेक्स्ट किताब के में लिखेगा, ये किताब जो है एक जिसको हम लोग मास्टर भी बोलते हैं, ठीक है, इसका टाइटल है मास्टर विश्वनाथ आनंद, उन्होंने एक किताब लिखा है माइंड मास्टर, ये भी एक मेमोयर है, ठीक है, एक मेमोयर है कि अपना, इन्होंने कहा था कि मैं जब छोटा था तो एक डायरी में अपनी सारी बातें लिखा करता था, जब आते थे रात के टाइम में तो सारा दिन में क्या क्या वो उसको लिखा करते थे, बस उसी सब याद को एक बुक की शक्ल में दे दिया गया। और विश्वनाथ आनंद के बारे में अगर हम कहा जाए तो ये जो है फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हुए हैं इंडिया के 1998 में, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ फ्रॉम इंडिया जो थे 1998 में, और ये फाइव टाइम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप भी रह चुके हैं, ठीक है। इसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल गया, इसे पद्मा विभूषण भी मिला चुका है, ठीक है, पद्मा विभूषण हम लोग को मालूम है भारत रत्न, फिर पद्मा विभूषण, फिर पद्मा भूषण, फिर पद्मश्री, ठीक है, ये दूसरे नंबर का अवार्ड पद्म विभूषण, इसे जो है पद्म विभूषण मिला हुआ है, किसे, विश्वनाथ आनंद, जिसे हम लोग माइंड मास्टर इसका बुक है, ठीक है, मास्टर जब भी आए तो याद रखना वो इसी का नाम है, ठीक है, माइंड मास्टर, सो टाइटल दिया गया। नेक्स्ट बुक की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बुक देखिएगा, ये श्रीदेवी के बारे में है, श्रीदेवी की बायोग्राफी के बारे में है, ठीक है, और लिखने वाला कौन है, सत्यार्थ नायक, एक जर्नलिस्ट है जो स्क्रीन राइटर को कवर करता है, यानी जो सिनेमा जो होने वाला है उसको ये सब कवर करता है, और द इटरनल स्क्रीन गॉडेस, ठीक है, ये श्रीदेवी के बारे में, श्रीदेवी एक चाइल्ड एक्टर से जो है एक्टर बनी है, एक चाइल्ड एक्टर से ही उसका कैरियर शुरू हुआ है, ठीक है। इसका मौत बड़ा अजीब मौत हुआ था, कहाँ पर, ये एक इसमें वेडिंग में गई थी, शादी के अंदर में, ठीक है, यूएई के अंदर में, यूएई के अंदर में गई थी, तो वहां पर अचानक होटल में जाने के बाद में जब वो बाथरूम में गई नहाने के लिए, ये हमको शादी में जाना है, तो वहां पर देखे के, और उसके शोहर जो थे बोनी कपूर, ठीक है, इसी का बेटा का नाम है अर्जुन कपूर,
जो इसके बेटे, इसी के बेटे हैं। तो बोनी कपूर वो रूम में बैठे हुए थे और वो नहाने के लिए गई थी श्रीदेवी, और फिर बहुत देरी हो गया था, तो फिर जाके वो जब देखा होते क्या ना बाथरूम के अंदर में, तो वो मतलब गिर पड़ी हुई थी, पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद फिर टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये जो है सुसाइड नहीं था, बल्कि कुछ रात के टाइम में उन्होंने कुछ ओवर ड्रग्स ले लिया था, कुछ दवाई वाई ज्यादा खा लिया था, ये कुछ अल्कोहल वगैरह के असर से जो है उसकी मौत हो गई। चलिए नेक्स्ट, हम लोग उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बुक लिखा हुआ है, देखिए बुकर प्राइज में जीतने वाली ये महिला है, ठीक है, ये ऑथर है बन्ना टाइम एवरिस्टो गर्ल वुमेन ऑथर, यानी वुमेन के बारे में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट के बारे में इन्होंने किताब लिखा, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है बुकर प्राइज, ठीक है। एक अलग होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इसलिए बुकर प्राइज है जिसमें दो महिलाओं को मिला है, हम लोग आगे देखेंगे द टेस्टामेंट को ही मिला है, ठीक है। तो बन्ना टाइम एवरिस्टो जो गर्ल वुमेन अनादर, और दूसरा एक बुक मिला है वो देख लीजिए, मैं द टेस्टमेंट लिखने वाली एक महिला, द टेस्टमेंट बुक का नाम है सुमिला मार्गरेट अटवुड को, ठीक है, मार्गरेट अटवुड को। और द इंटरनेशनल बुक प्राइज जो मिला है वो मिला है किसको, वो मिला है जोका अलार्थी को, हम लोग आगे देखेंगे उसको, ठीक है, जोका अलार्थी को। तो इस वाला मिला है मार्गरेट अटवुड, जो लिखने वाला कौन है, द टेस्टमेंट। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए तो इंटरनेशनल बुक प्राइज किसको मिला है, जोका अलार्थी को मिला, ठीक है, जोका अलार्थी। ये एक उमानी लड़की है और ये किताब जो है अरबी में लिखा गया है, ठीक है, अरबी में इसको ट्रांसलेशन किया गया है इंग्लिश के अंदर में, और फिर इसको जाके ये बुक जीत गया जोका अलार्थी। अगर इसको ट्रांसलेशन कौन किया है, मैलिन बूथ, ठीक है, मैलिन बूथ जो इसको ट्रांसलेशन किया इंग्लिश के अंदर में, मैलिन BOTH बूथ है, और इसको जोका अलार्थी ने किताब को लिखा अरबी के अंदर में, और ये क्लिश्चर बॉडी, ये फर्स्ट ओमानी जो है ये अवार्ड को जीती है, ठीक है, फर्स्ट लेडी ओमानी है, फर्स्ट लेडी ओमानी है जो बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो जीती है जोका अलार्थी। ये बुक है मलका मारोम श्याम सुंदर मिश्रा, बस ये किताब है मलका मारोम, ये इस किताब को लिखने वाला कौन है, श्याम सुंदर मिश्रा। आगे बढ़ते हैं, ये किताब लिखेगा ड्रीम्स ऑफ विलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स, ये एक जर्नलिस्ट है बोरिया मजुमदार एंड नलिन मेहता, ये दोनों जर्नलिस्ट है, ठीक है, ये खेल को कवर करता है। इसमें बोला कि बिलियन मतलब 2020 में जो टोक्यो जापान में जो ओलंपिक गेम्स होने वाला है, जो टोक्यो जापान के अंदर में, तो वहां पर जो क्या क्या ड्रीम्स हो सकता है इंडिया के अंदर में, इंडिया को क्या क्या चैलेंज आ सकता है उसमें, उस ओलंपिक गेम में किस तरीके से खेलना चाहिए, वो सारा ओलंपिक गेम जो प्रीवियस में हो चुका है वो सारा चीज उसमें अच्छाई, और क्या क्या चीज उसमें प्रॉब्लम आता है, और क्या क्या चीज उसके सारा चीज को इस किताब के अंदर में जो रखा गया, और आने वाले 2020 में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इंडिया के लिए, वो इस किताब के अंदर बयान किया गया, वो बोरिया मजुमदार नलिन मेहता, ठीक है, बोरिया मजुमदार का ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन इंडिया एंड ओलंपिक गेम्स। आगे बढ़ते हैं, ये एक किताब नहीं है बल्कि एक नोटबुक है, क्रॉसिंग द बैरियर्स आई गॉट इंक्ड, ये जो है हमारा जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सुनील अरोड़ा, उसके जरिए ये निकाला गया है, बताया यही गया है कि किस तरीके से हम लोग जो है डेमोक्रेटिक हो सकते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब यही होता है कि जो इलेक्शन होगा, इलेक्शन होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो हैंडीकैप है उस हैंडीकैप को किस तरीके से वोट दिलाने के लिए वो और ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है, और जो है एक्सेस किया जा रहा है, यानी बूथ कैंपेन को किस तरीके से एक्सेस किया जाए, वो अलग अलग यहाँ फोटो देखिए कि देखिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का आदमी किस तरीके से टूल में बैठा के लेके जा रहे हैं, जैसे गोदी में बैठा कर रहे हैं, यहाँ मुस्लिम आदमी जो है मतलब दोनों को सहारा दे के जा रहे हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में समथिंग, अरुणाचल प्रदेश में एक जंगल है, ठीक है, वो अभी वहां पर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ एक जो है वोटर्स है, समथिंग अरुणाचल प्रदेश या असम के तरफ में है, मतलब ईस्टर्नी साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, ठीक है, तो वहां पर सिर्फ एक जो थे और जंगल में रहते थे, वहां पर सिर्फ एक वोटर थे, और अभी रिसेंटली में न्यूज में आया कि वो उसका ध्यान हो गया, उसका जो है वो डेथ हो गए। तो इस तरीके से, किस तरीके से सुनील अरोड़ा जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, देखिए अलग अलग यहाँ फोटो है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसका नाम है क्रॉसिंग द बैरियर्स आई गॉट इन, क्रॉसिंग द बैरियर्स आई गॉट इन। ये बुक जो है हम लोग का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एस होगा श्री वेंकैया नायडू, इस किताब का नाम है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, मतलब सुनिए समझिए फिर उसको लीड करिए, ये किताब के बारे में, ठीक है। इसको रिलीज किया गया था होम मिनिस्टर अमित शाह के जरिए में, तो इस किताब के अंदर में बस यही लिखा हुआ कि लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, ये श्री वेंकैया नायडू जो हम लोग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और हम लोग का चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है वेंकैया नायडू, उन्होंने किताब को लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। आगे बढ़ते हैं, ये किताब जो है
विवेक देबरॉय के लिए लिखा गया मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया, मतलब न्यू इंडिया किस तरीके से बन रहा है उसके बारे में लिखा हुआ, और इसमें नरेंद्र मोदी जी का जो बारे में तारीफ किया गया कि सर उन्होंने मेक न्यू इंडिया बना रहे हैं। ठीक है, विवेक देबराय कौन है, ये अभी चेयरमैन है किसके, पीएससी, पीसी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, पीएससी पीएम के अभी चेयरमैन है। ठीक है, ये फॉर्मर रह चुके हैं, ठीक है, मेंबर रह चुके हैं नीति आयोग के, नीति आयोग के मेंबर भी रह चुके हैं। कौन, विवेक देबराय। विवेक देबराय जो है उसको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, इन्होंने महाभारत, बहुत सारे जो है हिंदू का ग्रंथ, उसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, बहुत अच्छे से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। ठीक है, महाभारत हो गया, भगवत पुराना हो गया, इन सबको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। ठीक है, ये है तो कोलकाता से उनका जन्म जन्म हुआ, लेकिन फिर बाहर पड़े बुढ़े हैं, और अभी जो ये सी है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर के, तो मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया, इन्होंने लिखा विवेक देबरॉय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये किताब विष्णु जी के बारे में है, ठीक है, विष्णु जी के उसके अवतार के बारे में, इसको लिखने वाला जो अश्विन संघी है, तो याद रखिएगा जो संघी मतलब जैसे भी आरएसएस से जो होते हैं, यानी जो संघ से ताल्लुक रखते हैं, वो ज्यादातर हिंदू प्रचार करते हैं, तो बस इसे याद रखिएगा, विष्णु मतलब हिंदू और संघी हो गए। इस किताब को लिखने वाला एक जर्नलिस्ट है सोनिया सिंह, एनडीटीवी के हैं। उन्होंने सारा मतलब हिंदुस्तान के अंदर में बड़े बड़े जो भी बड़े बड़े जो नेता है और खिलाड़ी है, और ये जो है देखिए रघुराम राजन है, इकोनॉमिस्ट है, ये अरुण जेटली है जो पहले फॉर्मर होम मिनिस्टर रहा करते थे। ठीक है, और ये देखिए ये एक्टर है, ठीक है, सुशांत सिंह है, एक्टर है, इस तरीके से उन्होंने सारा जो ये शायद कमल हसन है शायद, तो और बड़े बड़े जो इतना बड़े बड़े नेता है अभिनेता है, उनका इंटरव्यू को इस किताब के अंदर में छापा गया है, उनसे सवाल पूछा गया है, तो वो बोला कि डिफाइनिंग इंडिया थ्रू दी अराइज, यानी इंडिया को पहचानो इनके नजरिया से, इन सब बड़े बड़े लोगों के नजरिए से इंडिया को पहचानो। ठीक है, इंडिया को इस तरीके से मत देखो जो इंडिया में हो रहा है, बल्कि इन लोगों के जरिए से इंडिया को देखो, यानी इंडिया को एक अच्छा रूप के शक्ल में इस किताब के अंदर पेश करके कि इंडिया की खूबी क्या है, इंडिया के अंदर कल्चर क्या है, इंडिया की क्या अच्छाई है, उसको इस इन सब का इंटरव्यू को इस किताब के अंदर में रखा गया। सोनिया सिंह एनडीटीवी के जर्नलिस्ट है, और ये आखिरी किताब है सिटी ऑफ फेथ एंड सिटी ऑफ डिस्कॉर्ड, भले सिंह का। ठीक है, अयोध्या, अयोध्या का ये फैसला आया, आपने देखे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो केस आया। ठीक है, इसमें अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का कोई इस बुक में मेंशन नहीं है, इसमें एक अलग ही किताब को इस किताब के अंदर में अयोध्या का कल्चर के बारे में बताया गया, किस तरह से अयोध्या के अंदर में फ्रेटर्निटी रहता है, किस तरह से अयोध्या का कल्चर है, किस तरह से वहां पर भाईचारा है, इंटेग्रिटी है, और किस तरीके से सरयू नदी के किनारे में वो सारा चीज, किस तरीके से एक मतलब हिंदू का कल्चर और एक हिंदू का सारा मतलब पूजा पाठ, किस तरीके से वहां पे लोग रहते हैं, इन सारे चीज को इस किताब के अंदर में जो दर्शाया गया है। तो इस किताब का नाम है अयोध्या सिटी ऑफ फेथ सिटी ऑफ डिस्कॉर्ड, जिस ऑथर का नाम है भले सिंह, इस किताब को जरूर पढ़िए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये रहा आपका पार्ट टू खत्म, और आपका 2019 का बुक्स एंड अफेयर्स का सारा चीज खत्म हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, दोस्तों को वहां पर शेयर कर दीजिए, और कुछ सुझाव देना है तो कमेंट भी कर दीजिए, कुछ सुझाव अगर देना है तो कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाकर दीजिए, बाय बाय।